जिला सोनभद्र ग्राम पंचायत करकी ब्लॉक कर्मा में जिला सहकारी सिंचाई विभाग से लगाए गए पेयजल की टंकी फटने से टंकी का सारा पानी लीकेज होकर जमीन पर गिरते नजर आया। वहीं संदीप मौर्य और सभी ग्रामीण जनता का कहना है, हम लोग इसकी सूचना सिंचाई विभाग में कई बार कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपने गांव के ग्राम प्रधान से कई बार टंकी का मरम्मत करवाने के लिए कहा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हमारे गांव की पेयजल की टंकी लीकेज है उसकी शिकायत हम लोगों ने लखनऊ तक बात किया, कहने पर कहते हैं एक हफ्ते में उसकी मरम्मत हो जाएगी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। ग्राम पंचायत करकी की जनता का कहना है, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, पानी वाटर लेवल कम होने की वजह से हैंडपंप का पानी छोड़ा है। सिंचाई विभाग की बने टंकी का मरम्मत कराकर पेयजल की व्यवस्था कराई जाए, नहीं तो ग्राम पंचायत करकी की जनता बिना पानी पिए रह जाएगी। जिला सोनभद्र से ब्यूरो चीफ महेंद्र प्रसाद की खास रिपोर्ट। क्या क्या समस्या है यहाँ? इसका प्रॉब्लम ये है ना कि एक तकरीबन बरसात से पहले से मैक्सिमम 7 महीना लेके चलो आप, तब इसका पानी लीकेज हो रहा है। अच्छा। नॉर्मल था 4-5-6 महीने से इतना ज्यादा लीकेज होता है, जितना भी पानी जनता भरती है यानी धूप वजह जितना पानी इसमें आता है पूरा पानी नीचे गिर जाता है। इसका पानी जनता यूज कर पाता ना कोई यूज कर पाता है। इसका कम्प्लेन हम लोगों ने फोन कर लखनऊ भी कम्प्लेन किया था, वहाँ भी कम्प्लेन हुआ चलो एक हफ्ता के अंदर आपका हो जाएगा काम, लेकिन आज से 7 महीना के आसपास बीता इसका कोई सुनवाई तक नहीं हुआ। हम लोग सबसे कर चुके हैं, अपने हिसाब से जितना हुआ उसके हिसाब से। कितना दिन से चू रहा है? अरे 8 महीना प्लस हो गया। 8 महीना प्लस। अच्छा अच्छा, ये लगे कितना दिन हो गया? अरे इसको लगे कम से कम 3-4 तो होगा, 3-4 साल हो गया सर। अच्छा अच्छा, सरकार अब ये कुल मिला जुला के मैं देख रहा हूँ कि टंकी बदलना पड़ेगा। नहीं, टंकी की प्रॉब्लम नहीं है, ये जो यहाँ पे तो पानी यहाँ से लीकेज हो रही है ना, वो अंदर से इसका जो वाटर है ना वो लूज हो चुका है, कट गया है। उसको बस चेंज हो जाएगा तो बकिया सब सही है, इसका कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, बस एक प्रॉब्लम। नहीं टंकी सही है, टंकी फूटा नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है, टंकी से मतलब सही है, सभी लोगों का यही प्रॉब्लम है। आप लोग सभी लोगों का हाथ उठाइए, प्रॉब्लम सबका है अगर यहाँ पे तो सबका इसको जनता को होना चाहिए ना बात है। तो आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? शासन प्रशासन से आप पॉलिटिक्स में यही कहूँगा सर, इसका जितना जल्दी हो सकता है पर्सनली मेरे लिए नहीं सभी जनता के लिए हो जाए ऐसा अच्छा है, बेटर है। मानते हैं सपोज मेरा घर है, मेरे पास सुविधा है, ठीक है, और सबके पास तो नहीं है ना। नहीं, अब तो गर्मी मौसम आ गया, सब लोग जनता रास्ते जा रही है, अगर पानी आ रहेगा तो कोई पी जाएगा ना, फिर सबको प्रॉब्लम है, सबको होता है, लाइन सबके यहाँ नहीं मिलती बराबर, इसलिए मैं इसके लिए ये कहूँगा। आप कहना चाहते हैं कि ये शासन सत्ता से मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बन जाए ताकि राहगीरों का और गांव वालों का सबका भला, पानी पेयजल का व्यवस्था बढ़िया हो जाए। आज के समय में सर नहीं सोचता हूँ, इतना पानी एक बार गिर रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, पानी वेस्ट करने से मतलब है नहीं, पानी का हाहाकार हर तरफ हो रहा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ।